खबर अलीगढ़ से है, जहां अतीक के बेटे और शूटर के एनकाउंटर पर अलीगढ़ की जनता ने कहा कि कानून की प्रक्रिया और कानून पर विश्वास होता तो असद और गुलाम का एनकाउंटर नहीं होता। राम के भक्त यूपी सीएम ने प्रतिज्ञा की थी, कहा था कि यूपी की धरती को गुंडों से खाली कर दूंगा। इसी कड़ी में दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर यूपी में चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के बेटे असद अहमद गुलाम का यूपीएस टीम के द्वारा यूपी के झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कुख्यात अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और गुलाम पुलिस को चकमा देकर काफी समय से फरार चल रहे थे, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने गुलाम और असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी एसटीएफ के द्वारा अहमद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद उमेश पाल की पत्नी और मां ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है। तो वही असद और गुलाम के एनकाउंटर को लेकर अलीगढ़ की जनता के द्वारा अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि राम के भक्त उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि इस यूपी को दुर्दांत अपराधियों और गुंडों से निष्ठरहीन कर दूंगा। इसी कड़ी में ऐसे दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर यूपी में चल रहा है। इसके साथ ही कहा कि कानून को पुलिस के ताक पर नहीं रखा है, बल्कि ऐसे बदमाशों ने कानून को ताक पर रखा हुआ है जो खुलेआम लोगों की हत्या कर रहे हैं। पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते तो पुलिस इनको गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। उसी का नतीजा है कि जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, तभी 40 से 50 फायर इन बदमाशों के द्वारा पुलिस पर झोंके गए। वही असद अहमद और गुलाम एनकाउंटर पर एडवोकेट उदय वीर सिंह का कहना है कि एसटीएफ के द्वारा असद अहमद का एनकाउंटर किया गया है। इसी तरह से कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करे, उसके खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ एक परिवार के खिलाफ नहीं, कानून को ताक पर रखकर किए गए एनकाउंटर के सवाल पर सिंह ने कहा कि कानून यह नहीं कहता कि किसी को सीधा मारो जाके। कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी है। जो दोष कर रहा है और दोषी है उसको पकड़कर जेल भेजना चाहिए। कहा कि कानून पर विश्वास नहीं रहा है, इसीलिए तो पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर रही है। कहा कि कानून पर विश्वास होता और कानून की प्रक्रिया होते तो असद और गुलाम का एनकाउंटर नहीं होता। अहमद के बेटे असद का जो एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर किया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरा नाम एडवोकेट देवी सिंह है। जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मुझे ये कहना है कि जिस तरीका से असद का एनकाउंटर एसटीएफ पुलिस द्वारा किया गया है, उसी तरीका से ऐसा कोई अपराध कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति करे उसके साथ भी ऐसा ही हो। सिर्फ एक परिवार के खिलाफ नहीं, ठीक। असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया, इसके बारे में आपका क्या? कानून को ताक पर रखकर एनकाउंटर किए गए हैं ये? अब ये कानून ये तो कहता नहीं है कि जो उसको किसी को डायरेक्ट मारो जाके। कानून की प्रक्रिया तो बहुत बड़ी है। जो कोई दोषी कर रहा है, जेल भरी पड़ी है, उसी तरीका से कानून की प्रक्रिया से चलना चाहिए। सर, कानून में अगर विश्वास नहीं है तभी तो ये पुलिस कर रही है ऐसा काम। कानून पर विश्वास रहा ही नहीं और न है, इसलिए जो पुलिस अपना काम कर रही है। कानून पर विश्वास होता, कानून की प्रक्रिया होती तो ये वैसा होता ही नहीं। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये उनका व्यक्तिगत हुआ, ये उनका व्यक्तिगत है। हो सकता है उनको जो है योगी जी से और कोई सब मुझे उम्मीद हो। इंद्रहास चौहान, ये जो है अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवान श्री राम ने जिस प्रकार कोदंड उठाकर और ये प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करूँ जगमाई, इस जग को निश्चरहीन कर दूंगा, उसी प्रकार भगवान राम के भक्त योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी ये प्रतिज्ञा की गई है कि इस यूपी को आताताई गुंडों से मैं निश्चरहीन कर दूंगा, इस पृथ्वी इस यूपी को। तो उसी क्रम में इन दुर्दांत आतंकियों अपराधियों का एनकाउंटर चल रहा है। असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर किया है क्या? ये सारे एनकाउंटर कानून को ताक पर रख के किए? नहीं, ये कानून को ताक में नहीं रखे। कानून को ताक तो अपराधियों ने रखा हुआ है कि खुलेआम हत्या कर रहे हैं, भरे बाजार में हत्या कर रहे हैं
और पुलिस को पुलिस पीछे पड़ रही है तो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, और जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए उनके पीछे जा रही है तो 40-42 बताए जानकारी मिली 40-42 फायर किए हैं पुलिस पर। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अपने बचाव के लिए फायरिंग करेगी और मारे जाएंगे। एसटीएफ द्वारा मारे गए असद और गुलाम को लेकर मृतक उमेश पाल की मां ने योगी जी को कहा है कि जो काम करना था वो उन्होंने किया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, प्रकृति भी अपना न्याय किया है, जिसने गोली से किसी की हत्या की है उसका भी गोली से हत्या होनी है, सुनिश्चित है, तो मां की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है माननीय योगी जी का? योगी जी का शुक्रिया अदा पूरा प्रदेश कर रहा है, इस तरह की कानून व्यवस्था उन्होंने लगाई है, इस तरह के माफियाओं को जो मिट्टी मिलाने का काम कर रहा है, पूरे प्रदेश की रोम रोम उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, और ऐसा ही कानून का राज कायम रहना चाहिए। नाम क्या? दिनेश तिवारी एडवोकेट। ये जो है अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का है, एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर किया है, इसके बारे में क्या आपका कहना है? अगर कोई अपराधी है और पुलिस को चकमा दे के भाग रहा है या उसके साथ कोई जो है नाम घोषित है, उस पर शायद 5 लाख का इनाम घोषित था, तो उसे जो है न्यायालय की शरण लेनी चाहिए थी, न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए था, पुलिस से मुठभेड़ क्यों कर रहा था? असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर किया है, क्या कानून को ताक पर रख के ही एनकाउंटर किए गए हैं? नहीं, कानून को ताक पर तो कोई नहीं रख सकता, थोड़ा कानून को ताक पर रखने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं उस वक्त क्या रहीं, अभी तो ये मालूम पड़ा है कि वो एनकाउंटर में जो है मारे गए हैं। एसटीएफ द्वारा मारे गए असद और गुलाम को लेकर मृतक उमेश पाल की मां ने योगी जी का शुक्रिया अदा किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि जब अगर किसी का बेटा मरता है उसे जब दुख होता है तो उतना ही दुख जो है आत्मा को शांति मिलती है जब उसका जो है किसी का जो हत्यारा है और उसने जो है उसको जो है सजा मिल जाए। इस पूरे घटना चक्र में आप सरकार की भूमिका क्या देखते हैं? सरकार की भूमिका क्या है? सरकार भाई, सरकार ने किसी को थोड़ा ही मरवा रही है, वो तो जो पुलिस है या जो व्यवस्थापक हैं या प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है उसका काम है अपराधियों को पकड़ना। सरकार की इसमें क्या सरकार क्या कोई निर्देश थोड़ी दे रही है कि इनको एनकाउंटर कर दो? ये तो जो हत्यारे हैं, भगोड़े हैं या जो और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं उनके साथ जब पकड़ में नहीं आ रहे, अरे और हत्या कर रहे हैं, अगर आप वांछित हैं तो न्यायालय में आत्मसमर्पण करिए, न्यायालय की शरण लीजिए, अन्यथा आप वो तो जब पुलिस पर गोली चलाएंगे या पुलिस से एनकाउंटर करेंगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस वालों के भी कभी कभी घायल हो जाते हैं।